हे गाइस, गणपति बप्पा मोरिया। तो इस बार हम इको फ्रेंडली आइडल बनाने वाले हैं, जो कि आपने देखा कि कितना ब्यूटीफुल सा आइडल बना है। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मेक इट। शुरू में तो मैं डर रही थी कि कैसा टर्न आउट होगा, अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। बट फर्स्ट हम ऑयल अप्लाई कर रहे हैं। क्ले को कॉटन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लें ताकि क्रैक्स ना आए। एंड बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि इतना मज़ा आया बनाने में। इको फ्रेंडली गणपति बप्पा इस बार बन रहे हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुली टर्न आउट हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ एंड मेरे हाथ पूरे गंदे हो गए, इधर उधर तो पूरी गंदगी मचा के रखे। एंड आप देख सकते हैं कि बहुत ब्यूटीफुली टर्न आउट हुआ है। एंड ब्लैक कलर का पेंट कर रही हूँ। आप ये ब्लैक कलर के पेंट में भी रहने दे सकते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है गोल्डन कलर के बाद। वाओ, सो ब्यूटीफुली टर्न आउट। आपकी मर्जी, आप इसको डेको कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, तो आप पेंट कर सकते हैं। मेरे घर वालों को तो मेरे पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सच में क्ले का इको फ्रेंडली घर बप्पा बना सकती हूँ घर पे। बट ये बहुत ब्यूटीफुली टर्न आउट हुआ। एंड मेरी फैमिली भी खुद बोले कि ये तो बहुत अच्छा गणपति बप्पा बने हैं, बाहर से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो मैं बहुत खुश थी कि नहीं, हम मेरी मेहनत रंग लाई एंड एवरीवन लाइक्ड इट। मुझे सबसे अच्छा पता ही क्या लगा, हमारा जो छोटू सा चूहा है उसकी आंखें, सो क्यूट। वो छोटू सा चूहा है हमारे मूषक राज। मुझे इसमें बहुत टाइम लगा बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे कंप्लीट करने में, इको फ्रेंडली बप्पा कंप्लीट करने में। सो गाइस, हमारे बप्पा जी रेडी हो चुके हैं अब ऑलमोस्ट। सो गणपति बप्पा मोरिया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।